कार के शीशे पर लाइन क्यों होते हैं और रेलवे ट्रैक के किनारे लगाए बॉक्स किस काम का होता है और दवाई के बीच बनी इस सीधी लाइन को क्या कहते हैं। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक। फैक्ट नंबर 1, दवाई के बीच बनी इस सीधी लाइन को डिवाइड लाइन कहते हैं। फैक्ट नंबर 2, रेलवे ट्रैक के किनारे लगा इस बॉक्स को आप बेकार समझते हैं लेकिन इसका वजह जानकर आप चौंक जाएंगे। आपको बता दें कि इस बॉक्स को एक्सल काउंट बॉक्स कहा जाता है। ये रेलवे के पटरियों के किनारे 3 से 5 किलोमीटर दूरी में लगाया जाता है। ये साधारण सा दिखने वाला बॉक्स यात्रियों के सुरक्षा के लिए लगा होता है। इस बॉक्स के अंदर एक स्टोरेज डिवाइस लगा होता है जो सीधा ट्रेन के पटरी से जुड़ा होता है। एक्सल काउंट बॉक्स नाम से ही साफ पता चलता है कि ये एक्सल को काउंट करता है। एक्सल ट्रेन के पहिए को जोड़ कर रखता है और ये डिवाइस उसी को काउंट करता है। रेलवे इस बॉक्स के माध्यम से हर 5 किलोमीटर पर एक्सल का गिनती करता है ताकि ये पता लगाया जा सके ट्रेन जितने पहियों के साथ स्टेशन से निकला है आगे उतना पहिया है या नहीं। नंबर 3, ट्रेन के डिब्बे पर बना इस धारियों को आपने देखा होगा। क्या आपको पता है ट्रेन के डिब्बे पर ये पीली और सफेद रंग की धारियां क्यों होती हैं? ये धारियां ट्रेन के हर डिब्बे के अंत में बनी होती हैं, जो डिब्बे को एक दूसरे से अलग दिखाती है। पीला रंग जनरल डिब्बे को दर्शाती है और ये हरी रंग की धारियां जिस डिब्बे पर बनी होती है वह केवल महिलाओं के लिए बना होता है। फैक्ट नंबर 4, आपने तो यह सोचा ही होगा इमोजी के रंग पीला ही क्यों। दरअसल इमोजी का रंग पीला इसलिए होता है क्योंकि पीला चेहरा हंसता और खिलता हुआ लगता है, इसीलिए अक्सर इमोजी का रंग पीला होता है। और सिर्फ यही नहीं, पीला रंग खुशी का प्रतीक होता है। हंसता हुआ चेहरा पीला बैकग्राउंड में ज्यादा बेहतर दिखाई देता है। आप इन इमोजी को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। फैक्ट नंबर 5, आपने तो कई कारों के शीशों पर यह लाइन तो जरूर देखा होगा और कई लोग सिर्फ इसे डिजाइन समझते हैं लेकिन यह कोई डिजाइन नहीं बल्कि पतली तारे होती हैं जो कि शीशे के बीच में लगी होती है जो एक तरह से हीटर का काम करता है। जब कार के शीशे पर फॉग जम जाती है तो कार में दी गई बटन दबाने से यह तार गर्म हो जाती है जिससे फॉग खत्म हो जाता है।